तो राम राम दोस्तों भाई, क्या हाल चाल। तो आज हम खेलने वाले हैं अगेन किलर्स ऑफ किलन। और भाई आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं टाउन हॉल 5 की सबसे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फिर चलते हैं अपनी बेहतरीन और चिकाचौन सी पीसी स्क्रीन पे। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पे हो चुका है टाउन हॉल 5। और भाई सच बताऊं तो हमें यहाँ पे टाउन हॉल 5 होती है, हमें यहाँ पे तीन चीजें मिली है। पहला मिला है पावर बूस्ट, और दूसरी मिली हमें रिसोर्स बूस्ट, और तीसरा मिला हमें स्टार बोनस। ओके 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 ओके, स्टार बोनस में क्या मिला है? ओके, हमारा स्टार बोनस 4 गुना बढ़ चुका है, एंड हमारे ट्रूप्स जो है वो एकदम मैक्स हो चुके हैं। जो इस टाउन हॉल पे मेरे ट्रूप्स हो सकते हैं वो मेरे ऑलरेडी मैक्स हो चुके हैं। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। ओके, ये देख सकते हो भाई, बूस्ट लग चुका है सारी चीजों पे। ओके गाइस, तो अभी सबसे पहले हम अपनी इंपोर्टेंट चीज सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले भाई हम लेंगे यहाँ पे अपने 10 जेम्स, क्योंकि हमारा जो है टाउन हॉल हो चुका है यहाँ पे 5 का, तो हमें 10 जेम्स मिले हैं। एंड भाई उसके बाद है ना, अभी हमें मेन चीज मिली है हमारा आर्मी कैंप, जो कि मैं सबसे पहले रखने वाला हूँ। और सीधा भाई हमारी 100 की जंग हो जाएगी, राइट नाउ 100 की जंग हो जाएगी, लिटरली भाई मजा आ जाएगा। ओके भाई, फिलहाल मुझे 4 रिसोर्सेज और है। रिसोर्सेज में भाई बिल्डर हट तो यार मैं ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल बिल्डर हट तो अपनी उसके बाहर है, जेम नहीं अपने पे। तो अभी मैं रिसोर्स मिलूंगा सबसे पहले अपना सेकंड कलेक्टर, तो दोनों कलेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। एंड उसके बाद भाई मैं यहाँ पे डिफेंस में लेने वाला हूँ सबसे पहले एक अपनी तोप के बाद भाई मैं आ लूंगा अपना आर्चर टावर। मतलब सारी चीजें सबसे पहले रख लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे अटैक पे सीधा। ओके, यहाँ पे हमें एक विजार्ड टावर भी मिल रहा है, बट विजार्ड टावर लिटरली बहुत टाइम ले लेगा लगने में। तो विजार्ड टावर को हम बनाएंगे, 8 घंटे लेगा विजार्ड टावर, हमारा लेगा 3 घंटे। तो विजार्ड टावर से पहले हम बाकी की चीजें ले लेते हैं, जैसे अभी ट्रैप्स मिले ना 2, तो ट्रैप ले लेता हूँ दोनों। एंड उसके बाद ओके, 2 बम भी मिले भाई हमें न्यू। ओके, तो भाई अपने कलेक्टर्स को है ना उनकी जगह पे रख देते हैं, जैसे कलेक्टर हमने यहाँ रख रखे हैं दोनों, तो कलेक्टर यहाँ आ जाएगा। ये आर्चर टावर की जगह जाएगा। ओके गाइस, तो अभी मेरे एक बिल्डर, 2 बिल्डर फ्री है मेरे, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं जितनी हो सके ना वो लगा देता हूँ। ओके भाई, मुझे कुछ ये वॉल्स मिली हैं, तो इनको चलो करते हैं अपग्रेड मेरे हिसाब से। लेट्स गो भाई, मैंने तो इन्हें मैक्स ही कर दिया। ओके, बट हमें लूट की कोई दिक्कत नहीं है, लूट अपने पे एकदम भरपूर है गाइस, लूट एकदम भरपूर है। यहाँ पे हमें एक और अचीवमेंट मिली है, क्या अचीवमेंट मिली है मुझे भी नहीं पता, बट हाँ मिली है। एक काम करेंगे, सारी वॉल्स मैक्स कर देते हैं, क्योंकि भाई अपना जितना भी गोल्ड है, जितनी भी एलिक्सर है, सारी चीजों को कहीं ना कहीं तो भाई हमें देखो वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब हम इनको यहाँ पे वेस्ट कर देंगे। ओके, ये हो गई मेरी सारी वॉल्स मैक्स गाइस, लिटरली भाई सारी वॉल्स कर दी मैंने यहाँ पे अपनी, ये देखो। लेट्स गो भाई, सारी वॉल्स कर दी मैंने, सारी 5th लेवल की कर दी हैं, जितनी भी वॉल हो सकती थी मैंने सारी कर दी है 5वें लेवल की। और यहाँ पे मुझे कुछ जेम मिल रहे हैं, 25 जेम कारण। ओके ओके ओके, मैंने क्लैन कासल में जो है कलेक्ट किया था गोल्ड, उसके मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और मेरे पास अभी 250 जेम हो चुके हैं, ठीक है। एंड अभी मेरे बिल्डर्स 2 जो हैं वो हैं फ्री यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा सबसे पहले एक स्पेल फैक्ट्री, जो कि 8 घंटे में लगेगी भाई, तो वेट करेंगे यार इसका 8 घंटे का। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अपना मेन रिसोर्स, जो कि है मेरा डिफेंस, जिसके लिए मुझे गोल्ड लगेगा थोड़ा सा। तो चलते हैं भाई अटैक पे, और गोल्ड फटाफट कलेक्ट करके लाते हैं। ओके भाई, तो अभी सारे टाउन हॉल 5 के यहाँ हैं, बट हमें कोई भी अगर टाउन हॉल 4 का मिलता है तो हम सीधा बिल्कुल कतई अटैक मार देंगे उस पर। ओके, लूट तो है पर भाई माइनस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे काम कर सकते हैं हम जो है ना, ये सारी लूट लेके जा सकते हैं, हम चाहें तो लूट लेके जा सकते हैं। ओके भाई, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले ना अपनी आर्चर्स छोड़ेंगे, और भाई देखो देख के छोड़नी पड़ेगी ताकि हमारी आर्चर एक भी मरे ना, ठीक है। तो भाई लूट हमें ऐसे लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ट्रूप्स जो हैं भाई वो लेवल थोड़ा कमज़ोर है, और ज़्यादा ट्रूप्स भी नहीं है। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे जॉइंट छोड़ देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे बारबियन छोड़ने के आराम से तोड़ पाऊँ। तो मैं यहाँ पे थोड़े से बारबियन छोड़ देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ी आर्चर छोड़ देंगे हम यहीं पे ही। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि ना लून छोड़ दी जाए इस तरफ आर्चर टावर के साइड। ओके, तो भाई मैं यहाँ पे लून छोड़ देता हूँ सारे के सारे, और जस्ट इसके पीछे थोड़ी सी आर्चर छोड़ दूंगा, ताकि आराम से जो हमारी आर्चर तोड़ पाए। ओके, तो 2 आर्चर भी तो कम है यार अपने पे। एक काम करता हूँ, छोड़ देता हूँ भाई यहीं पे एक आर्चर, एक ही है, लेट्स गो भाई। अब जहाँ तक मुझे लगता है ना, हम 1,00,000 लूट तो आराम से ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के भाई। ओके भाई, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ना सरेंडर ही कर दिया जाए, गोल्ड तो हमने सारा तोड़ ही दिया है। देखते भाई, लूट मैंने कहा था ना भाई 1,00,000 लूट आराम से ले जाएंगे। ओके, सरेंडर नहीं हुआ था मैंने, किया था, लेट्स गो भाई। 2,00,000 लूट ले गए हैं, मैंने 1,00,000 रखा था बट हम 2,00,000 ले गए हैं। तो मैं अब आराम से जो है अपना विजार्ड टावर लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं अपनी कैनन वैनन रख लेता हूँ, कि तीनों कैनन यहाँ हो गई हैं।
एंड अब मैं रखूंगा भाई अपना वीजा टावर, कांगा 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 भैया कांगा ये रहा। ओके तो यहाँ पे हम रखेंगे वीजा टावर, मैंने जगह छोड़ दी थी वीजा टावर की यहाँ पे, तो यहाँ हम लगा देंगे वीजा टावर जो कि हमारा भाई 8 घंटे में होगा। एंड भाई मेरी जो है यहाँ पे वीडियो जो है वो करप्ट हो गई थी, इसलिए मेरा यहाँ पे फेस कैम नहीं दिख रहा है। और भाई सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपग्रेड लगाएंगे, तो उसमें हम अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी होने वाली है यहाँ पे अभी आर्मी कैंप्स और हमारा बैरक, तो हम ये दो चीज़ों पे बहुत फोकस करने वाले हैं। एंड अपनी कैनन्स भी अपग्रेड कर ही देते हैं। तो भाई फिलहाल ये वाले वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन और चिकन सी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लबोल गाइस बाय बाय।